समझ खबर। प्रतापगढ़ में रुझान आने शुरू हुए हैं, जहां 7 राउंड की मतगणना करीब समाप्त हो चुकी है। वहीं 7 राउंड तक पट्टी से राम सिंह पटेल जहां मोती सिंह से आगे चल रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहीं कुंडा में कांटे का संघर्ष देखा जा रहा है। कुंडा में राजा भैया के पीछे गुलशन लगे हुए हैं, जहां गुलशन से राजा भैया आगे चल रहे हैं। रामपुर खास में प्रमोद तिवारी की बेटी मोना आराधना मिश्रा और बीजेपी के छोटे सरकार के बीच टक्कर चल रहा है, जहां मोना आगे चल रही हैं। और वहीं विश्वनाथगंज में अपना दल एस के प्रत्याशी निर्दल प्रत्याशी से अभी आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी यहां करीब के मामले में है निर्दल प्रत्याशी से। वहीं बाबागंज की बात करें तो जनसत्ता दल के प्रत्याशी विनोद सरोज आगे चल रहे हैं, जो जबकि समाजवादी पार्टी उनके पीछे है। वहीं रानीगंज में आरके वर्मा और धीरज ओझा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 7 राउंड समाप्त होने के बाद लगातार जो धीरज ओझा काफ़ी मतों से आगे चल रहे थे, अब आरके वर्मा उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक करीबी हो सकता है मुकाबला। वहीं जब बात करेंगे सदर की, सदर में कांटे की लड़ाई देखी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा पटेल से अभी 1000 से अधिक वोटों से आगे हैं।